हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिंग स्ट्रॉन्ग। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रेस हैंड स्टैंड। प्रेस हैंड स्टैंड जिमनास्टिक का ऐसा पार्ट है जो आपके हर मूवमेंट में काम आने वाला है। प्रेस हैंड स्टैंड के लिए आपको स्ट्रेंथ, पावर और स्टेमिना की जरूरत होती है। प्रेस हैंड स्टैंड करने के मैं आपको स्टेप बताऊंगा। अगर आप उन स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप बहुत जल्दी प्रेस हैंड स्टैंड कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रेस हैंडस्टैंड का फर्स्ट स्टेप है हैंडस्टैंड विद सपोर्ट वॉल, जिसमें आपको क्या करना है, हैंडस्टैंड दीवार के सहारे कोशिश करनी है मिनिमम 30 टू 40 सेकंड होल्ड करने की। देखेंगे किस तरह हैंडस्टैंड सपोर्ट विद वॉल करना है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। दोस्तों, प्रेस हैंडस्टैंड करने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप है हैंडस्टैंड सपोर्ट विद वॉल, जिसमें आपको क्या करना है, जो अपना स्ट्रांग फुट है उसको आगे रखना है, दूसरे पांव को पीछे, दोनों हाथ को ऊपर रखते हुए दीवार की तरह सामने हैंडस्टैंड करना है। देखेंगे किस तरह मैं किक मारते हुए दीवार का सपोर्ट लेके हैंडस्टैंड करता हूं। दोस्तों, प्रेस हैंडस्टैंड का सेकंड स्टेप है हैंडस्टैंड सपोर्ट विदाउट वॉल, जिसमें आपको हैंडस्टैंड बिना दीवार के सहारे लिए करना है। उसमें दोस्तों ये ध्यान रखना है, जो आपकी हाथों की अंगुलियां है इनको आगे जाते समय बॉडी को प्रेस करना है, और जब बॉडी पीछे आती है तब यहाँ से प्रेस करना है। दोस्तों, जूम के द्वारा मैं आपको बता सकता हूँ कि अपनी अंगुलियों को किस तरह आगे जाते हुए प्रेस करना है और पीछे आते हुए किस तरह आगे से प्रेस हटाते हुए अपनी कलाई की जो कॉर्नर है वहां पे प्रेस करना है। दोस्तों, मैं आपको हैंडस्टैंड विदाउट सपोर्ट के करके दिखाऊंगा। दोस्तों, सेकंड स्टेप हैंडस्टैंड विदाउट सपोर्ट, 10 से 20 सेकंड के बीच में आपका मिनिमम होल्ड होना बहुत जरूरी है। ये होल्ड होगा फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, फ्रॉग स्टैंड। दोस्तों, इसमें दो वेरिएशन है, मैं आपको अभी फर्स्ट वेरिएशन बताऊंगा, उसको करना है, देन वो करने के बाद में आपको सेकंड वेरिएशन करना है। देखेंगे फ्रॉग स्टैंड किस तरह करते हैं। दोस्तों, अपने दोनों हाथों को आगे रखते हुए, दोस्तों जो मैंने आपको होल्डिंग सिखाई थी वो प्रेस हैंडस्टैंड में भी काम आएगी, हैंडस्टैंड में भी काम आएगी, फ्रॉग स्टैंड में भी काम आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो होल्डिंग होगी वो अंगुली और कलाइयों से ही होगी। ये ध्यान रखते हुए अपने दोनों हाथों को आगे रखेंगे, अपने दोनों घुटनों को अपने शोल्डर के बीच में फंसाते हुए बॉडी को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, फ्रॉग स्टैंड वेरिएशन फर्स्ट करने के बाद में आपको मैं अब बताने जा रहा हूँ फ्रॉग स्टैंड वेरिएशन सेकंड, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है। फ्रॉग स्टैंड वेरिएशन फर्स्ट में आपने अपने दोनों पांव यहाँ फंसा कर होल्ड किए थे, पर अब ध्यान रखना है वेरिएशन सेकंड थोड़ा लेवल अप है, जिसमें क्या करना होगा, दोनों पांव यहाँ न रख के बॉडी के दोनों हाथों को बॉडी के जस्ट बीच में रखना है और फ्रॉग स्टैंड होल्ड करने का ट्राई करना है। दोस्तों, थोड़ा लेवल अप वाला परफॉर्मेंस है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपसे जरूर हो जाएगा। दोस्तों, फ्रॉग स्टैंड की वेरिएशन फर्स्ट और सेकंड करने के बाद में अगला स्टेप है फ्रॉग स्टैंड सपोर्ट विथ वॉल, जिसमें आपको फ्रॉग स्टैंड करते हुए हैंड स्टैंड करना है, जिसमें दोस्तों ये ध्यान रखना है, फ्रॉग स्टैंड बनाने के बाद जब तक आपकी हिप पूरी दीवार के पास टच नहीं हो जाती तब तक आपके पाँव नहीं उठने चाहिए। प्रेस हैंड स्टैंड में भी यही ध्यान रखना है। तो देखेंगे दोस्तों मैं किस तरह करता हूँ, वैसे आपको भी कोशिश करनी। दोस्तों, फ्रॉग स्टैंड विद सपोर्ट वॉल से हैंडस्टैंड करते हुए
अब नेक्स्ट स्टेप आपको करना है रो फ्रॉग टू हैंड स्टैंड विदाउट सपोर्ट, जिसमें आपको दीवार का सहारा नहीं लेके नॉर्मल परसेस पे फ्रॉग स्टैंड टू हैंड स्टैंड करने का ट्राई करना है। दोस्तों कोशिश करनी है, इसमें आपको अंगुलियों का वही प्रेस लगाते हुए फ्रॉग स्टैंड से दोनों पाँव को ऊपर की तरफ खींचते हुए हैंड स्टैंड होल्ड करने को ट्राई करना है। दोस्तों आपने देखा मैंने फ्रॉग स्टैंड टू हैंड स्टैंड किया, तो फर्स्ट स्टांस में मैंने देखा होल्ड करते हुए फ्रॉग स्टैंड से हैंड स्टैंड तेजी में नहीं किया, उसको होल्ड किया उसके बाद किया। पर आपको ये ध्यान रखना है जो मैंने सेकंड चांस लिया था उसमें मैंने फ्रॉग स्टैंड से होल्ड करने में टाइम ना जवाते हुए एकदम से हैंड स्टैंड किया। तो आपको ये ध्यान रखना है फर्स्ट टाइम जब आप करें तो फ्रॉग स्टैंड में वेट ना करें, जैसे आपका फ्रॉग स्टैंड हो उसी से अल्टीमेट आपको हैंड स्टैंड। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है प्रेस हैंड स्टैंड पोजीशन वॉक। प्रेस हैंड स्टैंड की पोजीशन बनाते हुए आपको वॉक करना है, मतलब आप प्रेस हैंड स्टैंड की पोजीशन बनाएंगे, फिर हाथों को आगे की तरफ धकेलते हुए दोनों पाँव को भी आगे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे। देखेंगे किस तरह से मैं करता हूँ। दोस्तों प्रेस हैंड स्टैंड पोजीशन वॉक मैंने आपको इसलिए करवाया ताकि आप प्रेस हैंड स्टैंड की पोजीशन को प्रॉपर तरीके से बना सके, ताकि आपको प्रेस हैंड स्टैंड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एकदम से क्लियर हो। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है नेगेटिव प्रेस हैंड स्टैंड। नेगेटिव प्रेस हैंड स्टैंड जिसे आप प्रेस हैंड स्टैंड रिवर्स भी बोल सकते हैं, जिसमें स्टार्टिंग प्रेस हैंड स्टैंड का रिवर्स होगा, जिसमें आपको हैंड स्टैंड करते हुए ऊपर से दोनों पैक को खोलते हुए नीचे की तरफ लाना है। देखेंगे किस तरह मैं करता हूं। दोस्तों आपको इसमें यह ध्यान रखना है जो अपनी बॉडी की हिप है वो दीवार के पास पूरी टच रहनी चाहिए, उसके बाद पांव को खोलते हुए नीचे की तरफ लेके। दोस्तों प्रेस हैंड स्टैंड का नेक्स्ट स्टेप है लेग रबिंग टू प्रेस हैंड स्टैंड, जिसमें आपको लेग को रब करते हुए आगे ले जाते हुए जिसमें आपको बॉडी का हल्का सा स्विंग मिलेगा ताकि आप प्रेस हैंड स्टैंड को ठीक से कर पाएंगे। देखेंगे मैं किस तरह अपने लेग को रबिंग करते हुए प्रेस हैंड स्टैंड कैसे। दोस्तों लेग रबिंग प्रेस हैंड स्टैंड करते समय आपको ये ध्यान रखना है, अगर बॉडी का पीछे से फोर्स आता है और आप लेग रबिंग के साथ प्रेस हैंड स्टैंड करते हैं तो बॉडी का आगे जाने का खतरा रहता है, जिसके लिए आप हैंड स्टैंड से रोल भी कर सकते हैं जो मेरे बेसिक जिमनास्टिक स्टेप वाले वीडियो में आपको सिखाया गया। इसके अलावा आप हैंड स्टैंड वॉक भी कर सकते हैं जो भी आपको मेरे वीडियो में ट्यूटोरियल मिल जाएगा। दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप है प्रेस हैंड स्टैंड विथ सपोर्ट वॉल, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है अपने हिप को 90 डिग्री एंगल तक बनाते हुए
अपने पांव के एड़िया उठाते हुए देन पंजों को ऊपर उठाते हुए प्रेस हैंडस्टैंड को कंप्लीट करेंगे। देखेंगे मैं प्रेस हैंडस्टैंड विद सपोर्ट। दोस्तों प्रेस हैंडस्टैंड विथ सपोर्ट वॉल करने के बाद में आप प्रेस हैंडस्टैंड विदाउट सपोर्ट वॉल भी करेंगे तब आपका जाके प्रेस हैंडस्टैंड कंप्लीट होगा। दोस्तों इसमें आपको ये ध्यान रखना है, बॉडी का फोर्स जब 90 डिग्री एंगल दीवार के पास रहते हो तब तो आपको दीवार का सपोर्ट मिल जाता है, फिर आप बॉडी को पीछे खींच लेते हैं। बट इसमें यह ध्यान रखना है जैसे आपका 90 डिग्री आए वापस आपको रिवर्स की तरफ कंधे खींचने पड़ेंगे तब जाकर आपका हैंडस्टैंड होल्ड होंगे। देखेंगे किस तरह मैं अपना प्रेस हैंडस्टैंड करता हूँ।